नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नैना पुल के नीचे बोरे में बंद मिले नवजात शिशु और महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। महिला का नाम सुनीता साकेत है और वह सीधी की रहने वाली है। यह वही महिला है जिसकी तलाश की खातिर सीधी का एक परिवार फरियाद लेकर नारियल लेकर काली पट्टी बांधकर दंडवत परिक्रमा करते हुए आईजी कार्यालय पहुंचा था। परिजनों का आरोप था कि 12 साल से सुनीता साकेत और उसकी 16 वर्षीय बेटी शिवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी। बीते 4 माह से वह दोनों लापता हैं। इसके ठीक अगले ही दिन जिले के सुहागी थाना क्षेत्र स्थित नैना पुल के नीचे बोरे में बंद एक महिला और एक लड़की की लाश बरामद हुई। इसके बाद शवों की पहचान कराई गई। पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल है कि सुनीता की 16 वर्षीय बेटी कहाँ है। 5 जनवरी को सुनीता साकेत के परिजन रीवा स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे थे और न्याय की गुहार लगाई थी। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र में मंगलवार को नैना नदी में बने पुल के नीचे बोरे में बंद महिला और नवजात शिशु के शव पुलिस ने बरामद किए थे। शव की पहचान के लिए पुलिस ने सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित मोहनी गांव से उस परिवार को बुलवाया जो कुछ दिन पहले लापता बहन और उसकी 16 वर्षीय बेटी की खोजबीन के लिए फरियाद लेकर आए थे। आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने उस समय पीड़ित परिवार की फरियाद सुनी थी। एसपी विवेक सिंह को मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए गए थे। शव की पहचान करने पहुंचे सुनीता साकेत के परिजनों ने कहा कि 12 साल सुनीता किसी शिवेंद्र सिंह के साथ रह रही थी, उसी ने हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर नदी में फेंका है। पूरा मामला सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र स्थित मोहनी गांव का है। 18 साल पहले सुनीता साकेत की शादी छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले में हुई थी। 6 वर्षों तक वह अपने ससुराल में रही। इस दौरान उसे एक बेटी हुई। 6 साल बाद ही वह अपनी ससुराल छोड़कर गांव लौट आई, वहां शिवेंद्र सिंह के साथ रहने लगी। कुछ साल पहले शिवेंद्र सिंह सुनीता को रीवा ले आया, किराए के मकान में दोनों रहने लगे थे। सुनीता ने एक और बेटी को जन्म दिया जो शिवेंद्र सिंह से थी। शिवेंद्र सिंह ने रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अपना खुद का मकान बनवाया और सुनीता के साथ रहने लगा था। और अब सुनीता का शव बरामद हुआ है। सुनीता के शव के साथ एक नवजात शिशु का शव है, पर सवाल ये है कि सुनीता की 16 वर्षीय बेटी अभी भी नहीं मिली है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। बॉडी मिली जी, इसमें आईजी आपके साई हैं और आप पोस्टमार्टम के लिए भी विरोध कर रहे हैं, तो किस तरह का विरोध कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो 12 साल की अभी लड़की नहीं मिली है उसकी भी लाश मिल जाए, तब दोनों को इकट्ठा हम पोस्टमार्टम कराएं। पर आज ही सर बोल रहे हैं कि करवा लो, और नेतागिरी से नहीं चलेगा, नेतागिरी आप करती हैं, ऐसे बोले हाजी सर। पीड़ित होने के बाद भी हाजी साहब का ऐसे शब्द कहाँ लगते हैं, तो क्या लगता है मन में आपको? इसमें प्रशासन की पूरी गलती है। अभी आप क्या है, पोस्टमार्टम करवा रही हैं कि? पोस्टमार्टम तो हम नहीं चाहते हैं कि हो जाए ना हो, हम तो चाहते हैं कि बच्ची मिल जाए तब हो। पर सर लोग दबाव दे रहे हैं तो हम पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं, पर वो बच्ची को हम तो चाहते हैं कि वो बच्ची जिंदा मिल जाए, यही शासन प्रशासन से हम मांगते हैं। और उसमें जो अपराधी हैं, राजकुमार सिंह भी हैं, उर्मिला सिंह हैं, शिवेंद्र सिंह हैं, तीनों को जब तक नहीं पकड़ेंगे उसको, शिवेंद्र सिंह के बच्चों को भी पकड़ें, क्योंकि वो भी हमको मारने का धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार डालेंगे।